रात भर नहीं सोई बंदी और देख लो कितनी खुश हो रही है। तो हम गए थे पति के घर आ चुके हैं हम। हम बीकानेर वाले हैं तो बीकानेर ही लेके आऊंगे। खबरदार जो होटल में रुकी तो बताओ, बात तो सही बोली है ना। किसी के साथ जाना चाहती थी मैं मथुरा वृंदावन। हम लोगों का बहुत प्रेम मंदिर के निकले सुबह बाहर। हम लोग तो फिर भी रेस्ट कर लिए, ये तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करी है। रात भर नहीं सोई बंदी और देख लो कितनी खुश हो रही है। ग्लो देखो, ग्लो कितनी खुश हो रही है। भैया भी बेचारे आए, वो कहां गए? इनके लिए ये पूरी बौरानी आहो देखो, एक साड़ी में, एक सूट में और एक एकदम चद्दर तान के सोई है। मिला के उठाया हमने, उठो अभी 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 मैंने नींद नहीं हुई है, मैं पूरी चुन चुन के बदले हूं। दिलवालों की नगरी में आ गए हम, और दिल वाले हमें लेने के लिए आ गए। बेचारी यार पूरी रात इंतजार कर रही है यार, ये मानेंगे पलके बिछाए वेट कर रही नहीं थी। चाहती तो गाड़ी भी भेज सकती थी लेकिन भैया और ये खुद आए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना यार गाड़ी में इतने मांगे कैसे? बस हम इतने लोग एक गाड़ी में कैसे आएंगे? इस टास्क को हम कैसे पूरा करेंगे वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दीदी कहाँ बैठ कर जाएंगी? मैं तो गोद में आऊंगी सरिता की, कोई टेंशन नहीं। मैं निया को ले लूंगी तो तेरे पति की गोद में। नहीं मैं 50 ग्राम का इजी रखूंगी, 5 ग्राम का नहीं रखूंगी। और एक मेरा पति कर रहा है बंदोबस्त। दिल्ली में पहली बार आई हूँ, घर से बाहर ऐसे अकेले निकलना बहुत कम होता है। अनजान सिटी में जाने से पहले एक डर बना रहता है कि वहाँ किसी को जानते नहीं हैं, क्या होगा कैसे होगा। वहाँ कोई अगर अपना मिल जाता है तो कंफर्टेबल फील करने लगते हैं हम। यहाँ पर स्टेशन पर इतनी देर वेट करना, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब भैया को जब देखा स्टेशन पे तो एकदम शॉक्ड रह गई कि भैया भी आए हुए हैं लेने के लिए और इतने टाइम से वेट कर रहे थे। सरिता का मुझे पता था क्योंकि बार बार कॉल आ रहा था, रात भर नहीं सोई थी वो, तो कॉल कर रही थी बार बार कि अब कहाँ पहुँची हूँ, मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता है। हेमंत को भी स्कूल ड्रॉप करने नहीं जा पाए, वो भी वहाँ पर वेट कर रहा था, पर हमारे लिए उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर होना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा ये सब देख कर, थैंक यू सो मच। हम पधारिए आ चुके हैं, सरिता जी के घर आ चुके हैं हम। घर आकर इतना सुकून लगा ना, वो अपने घर वाली फीलिंग ही आई यहाँ पर। ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार आए हैं यहाँ पर। लाला जी हैं, लाला जी मतलब कृष्ण भगवान जी, लाला जी कहती हैं सरिता जी उन्हें। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखभाल होती है उनकी, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि जहाँ पर भगवान का वास होता है वहाँ पर हमेशा सुकून होता है। कहाँ लेके आई? बीकानेर वाला। बीकानेर, हम बीकानेर वाले हैं तो बीकानेर ही लेके आऊंगे। गुजराती खाएंगे आप? भाई कौन गुजराती, जबरदस्ती गुजराती है। बीकानेर वाला है, राजस्थानी खाएंगे, गुस्सा मत कर। गलती से गुजराती खाएंगे। गलती भी कैसे हो सकती? सरिता ने बोला था कि जब भी तुम दिल्ली आओगे, उसे ये तो नहीं पता था कि कब आने वाले हैं, लेकिन जब भी बात होती थी तो कहती थी कि मैं अपनी सारी फेवरेट डिशेस तुम्हें यहाँ पर खिलाऊंगी। और उसने ऐसा किया भी, जितना जितना वो कर सकती थी उतना सब कुछ उसने किया। हम लोग रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आपको देखकर पता चल रहा होगा कि किसी देवधाम पर ही हम जा रहे हैं क्योंकि हमने साड़ी पहनी हुई है। जो मेरा काम है, जिस काम के लिए हम लोग आए हुए हैं, वो हमारा कल है। तो आज का जो दिन है हमारा, वो घूमने के बजाय हमने सोचा कि हम किसी देवधाम पर जाएं। तो यहाँ से मथुरा वृंदावन बहुत पास है, जो कि मेरा बहुत मन भी था कि मुझे दर्शन करना है, तो अभी बस हम उसके दर्शन के लिए निकल रहे हैं। वैसे हमें खाटू श्याम जाने का बहुत मन था लेकिन वहाँ के पट बंद हैं अभी, तो बुलाया तो वहाँ भी जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, क्या बोलूँ,
बहुत टाइम की इच्छा थी, बहुत सालों की इच्छा है कि मुझे वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, और वो इच्छा ऐसे पूरी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब कोमल के यहाँ शादी में गए थे तो सरिता जी ने सबको बोला था कि चलो खाटू श्याम के दर्शन करवा कर लेकर आती हूँ, पर उस टाइम पर शायद बुलावा नहीं था, हम लोग नहीं जा पाए। पर एक बात उसने कही थी कि वृंदावन के दर्शन मैं ज़रूर करवाऊँगी। वो बात ऐसे ही पूरी होगी नहीं पता था, आज वो दर्शन के लिए लेकर भी जा रही है। सरिता ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, और मैंने बोला दिल्ली आ रही हूँ। खबरदार जो होटल में रुकी तो बताओ, बात तो सही बोली है ना मैंने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भी हमने चलो नहीं यार सरिता तुम परेशान हो जाओगी। तो बंदी 3 बजे से जाके स्टेशन बैठी है 3 बजे से स्टेशन जाके बैठी है, साथ में लेकर आई है कि नहीं, कहीं और रुकी नहीं सकती जब दिल्ली में मैं बैठी हूँ, तो कहीं और कैसे जा सकते हो। खुद तो इतना सारा झुमकार तामझाम पहन के और मुझे बोलती है ऐसा सिंपल, ऐसा सिंपल नहीं, श्रृंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। बस झूठे झूठे गजरे की धार ना मोतियों नहीं है तो ये है श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे कि मैं मथुरा वृंदावन जा रही हूँ, बस ऐसा लग रहा है ना बस रो ना, कभी कभी इतना ही खुश हो जाते ना हम कि आशीष जी के साथ जाना चाहती थी मैं मथुरा वृंदावन। हम लोगों का बहुत मन था कि हम जाएं, और 2 बार जाते जाते रह गए, 2 बार ऐसा हुआ कि जाते जाते ही हमारा जाना कैंसिल हो गया। अकेली दर्शन जरूर कर रही हूँ लेकिन हाँ वो इच्छा जरूर पूरी हो रही है। सरिता ने कितना अच्छा वीडियो शूट किया यार, कौन सा पतली कमरिया पतली कमरिया मोरी चीनू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे लिए तो करेगा, सब देख रहे हैं व्लॉग में, सब देख रहे हैं, आपके जैसा भाई सबको मिले। आप देखो मेरे को स्वेटर लाके नहीं देगा ये बोल रहा है। अरे भाई जब जब ये सरिता दीदी बोल रही अपनी स्वेटर अपने हाथ में रख के ले जाना, ये बोले मेरा भाई जाए ना 3 किलोमीटर दूर दौड़ के जाएगा स्वेटर लेके आएगा, ये इतना भी नहीं मेरे लिए भी नहीं जा सकता, पहले मेरा पति ले आएगा मेरे लिए दौड़ के उसके बाद पहले भैया ऐसे थे अब ऐसे हो गए सब। एक बात सुनो नहीं, आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं हम नवन गेट है ना प्रेम मंदिर के पास आए क्या हम इशू इस ब्लॉग को यहाँ एंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। एक मिनट लीजिए बात कर लीजिए इनसे, मैंने भी पंडित जी काम बोल रहे हैं वहाँ पे देख लेना आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।